वो बहुत बड़ी बात है। अभी एक साल पहले भी लड़का हमारा शहीद हो गया था बॉर्डर पे। ये प्रशासनिक हिसाब से अधिकारी आने चाहिए थे, और भी लोग आने चाहिए थे। अगर किसी प्रकार कोई कमी हो तो हमें बताएं, हम जो भी उचित कार्रवाई होगी कराएंगे। अभी शहीद हुआ है, उसकी शादी हुई थी, मैं समझता हूँ जिस परिवार के ऊपर पड़ती है उसके ऊपर बहुत बड़ा पहाड़ है। जम्मू कश्मीर के उरी में शहीद हुए दमदमा निवासी आकाश के पार्थिव शरीर की खबर सुनकर राजस्थान के सवाई माधोपुर टोंक से बीजेपी सांसद सुखबीर सिंह, जौनापुरिया लैस नायक आकाश के अंतिम दर्शन करने व दाह संस्कार में शामिल होने के लिए दमदमा गांव पहुंचे, जहां पर पहुंचकर सुखबीर सिंह जौनापुरिया ने आकाश के पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की, जिसके बाद सैनिक सम्मान के साथ आकाश का अंतिम संस्कार किया गया। लेकिन इस अंतिम संस्कार के दौरान कोई भी प्रशासनिक अधिकारी नहीं पहुंचा। इस गमगीन मौके पर स्थानीय प्रशासन द्वारा वहां पर नहीं पहुंचने पर सुखबीर सिंह जौनापुरिया ने कहा कि देश की रक्षा के लिए हमारे जवान सीमा पर तैनात रहते हैं, और जब वो शहीद हो जाते हैं तो उनके अंतिम संस्कार में भी प्रशासनिक अधिकारी नहीं पहुंचते। कहा कि ऐसे वक्त में प्रशासनिक अधिकारियों को जरूर पहुंचना चाहिए, क्योंकि इस दुख की घड़ी में पीड़ित परिवार के साथ क्या गुजरती है वो सब भलीभांति जानते हैं। सुखबीर जौनापुरिया ने कहा कि ये वीर भूमि वाला गांव है, जहां पर एक साल पहले भी एक जवान शहीद हुआ था। वहीं पीड़ित परिवार अपनी मांग व दुख दर्द किसको बताए, पर उन्होंने कहा कि सेना अपने जवानों व उनके परिवारों का खुद ख्याल रखे। वही उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मैं पहले भी मिला हूं, और अगर फिर जरूरत पड़ी तो उनसे मिलकर बात करेंगे। तो मैं नमन करता हूं कि हमारे फ्रंट से लेकर बारह गांव के घटने के हैं, इन सब गांव में हमेशा से सेना में भर्ती में बहुत अप्रथम रहे हैं, और इस देश की सेनाओं में इस हिसाब से यहाँ की भागीदारी रही है वो बहुत बड़ी बात है। अभी एक साल पहले भी एक लड़का हमारा शहीद हो गया था बॉर्डर पर, और उसके बाद में आज दूसरा लड़का ऐसे शहीद हुआ है। तो मेरा सौभाग्य कि मैं इधर ही था, तो आज मुझे यहाँ आने का मौका मिला। इस बात का कहना चाहते हैं, मैं आपको कह दूँ कि प्रशासनिक हिसाब से अधिकारी आने चाहिए थे, और भी लोग आने चाहिए थे, लेकिन वो कहीं ना कहीं कारणवश रहा है जो नहीं आए। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो देश की सीमाओं के लिए आदमी घर से जाता है और वो शहीद होता है, तो हम सबका फल बनता है वहाँ पहुँचना। लेकिन सांसद जी, जिस तरीके से कुछ मांग रखी गई थी पिछली बार जो शहीद हुआ था जवान, वो अभी तक पूरी नहीं हो पाई है, और आप सरकार के नुमाइंदे हैं तो क्या कहेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ, मैंने पीछे भी भिवाड़ी में हुआ था, उस टाइम भी माननीय राजनाथ सिंह से जाकर मैंने खुद लेटर दे जाए। अगर किसी पर कोई कमी हो तो हमें बताएं, हम जो भी उचित कार्रवाई होगी कराएंगे। माननीय राजनाथ जी के जब भी हम जाते हैं तो तुरंत बात संदर्भ लेते हैं, कॉल करते हैं, और अभी भी अगर किसी प्रकार की बात होगी तो पूरी तरह से। लेकिन जिस तरीका से जवान शहीद हुआ है, नवयुक्त था ये और पीड़ित है परिवार पूरा, तो किस तरीका से अपनी मांगे रखेगा जो प्रशासनिक अधिकारी यहाँ तक पहुँची नहीं है? देखिए, मैं समझता हूँ तो ये है कि आर्मी खुद ही अपने आप में सक्षम है, वो खुद ही करते हैं, किसी प्रशासनिक अधिकारी जरूरत नहीं पड़ती। और मैं समझता हूँ जिस हिसाब से बेटा शहीद हुआ है आकाश, उनके दो ही बेटे थे, जिस बेटे की अभी शहीद हुआ है उसकी शादी हुई थी, मैं समझता हूँ जिस परिवार के ऊपर पड़ती है उसके ऊपर बहुत बड़ा पहाड़ है इनको जोड़ा। आकाश की मौत की खबर सुनकर जहां एक तरफ पूरे गांव व इलाके में गमगीन माहौल है, वहीं प्रशासनिक अधिकारियों के इस लापरवाह रवैये से जहां शहीद के परिजनों को पीड़ा हुई है, वहीं इलाके के लोगों में भी भारी रोष व्याप्त है। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि पीड़ित परिवार से मिलने व उनका दुख दर्द जानने के लिए कोई अधिकारी अभी भी पहुँचता है या नहीं। हरियाणा वरदान के लिए सोहना से विशाल राघव की रिपोर्ट। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।